सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। ब्लॉग को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और मैं बहुत दिनों बाद आज ब्लॉग बना रहा हूँ। फाइनली मैं अपने गांव में हूँ और आज मैं अपने गांव जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली मैं अपने दीदी के गांव में था अरड़िया, अब मैं जा रहा हूँ अपने गांव जिसका नाम है बेलमोहन। थोड़ा नाम अजीब है बट गाँव बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको एक्सप्लोर कराऊंगा आगे। सो मेरा दोस्त मेरे साथ जा रहा है नमन, अभी यहाँ से हम रिक्शा लेंगे और हम यहाँ से फिर जाएंगे अपने गाँव। सो मिलता हूँ आपसे। अब हम अपने चौक पे आ चुके हैं, यहाँ से हम टेम्पो लेंगे जिसमें अपने गांव जाएंगे। और टेम्पो जो है किस प्रकार का है, और यहाँ पर यही टेम्पो चलता है बेसिकली। तो नमन आगे चल रहा है हमारे साथ एंड मैं ऊपर जाके मिलता हूँ आपसे। तो गाइज ये NH57 है, यहीं से हम अब अपने लिए टेम्पो लेंगे एंड वहाँ टेम्पो खड़ा है, वहाँ से टेम्पो लेंगे हम एंड यहाँ से मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ। तो चलिए टेम्पो लेके फिर मिलता हूँ आपको अपने गाँव में। कौन आए कितने पहले भाई, कितने पैसा ले? 20 टका बस। सुबह से मेरा टेम्पो मिल चुका है, चलते हैं फिर। तो हमारा यहाँ टेम्पो खराब हो चुका है, यहाँ धक्का लगाया जा रहा है एंड देन स्टार्ट होते ही हम यहाँ से निकलेंगे। अभी स्टार्ट हो चुका है, अभी हमारा फाइनली स्टार्ट हो चुका है। यहाँ बैठ चुके नमन और ये भैया हैं, लेके जाएंगे हमें। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से हम जा रहे हैं अपने गांव, टेम्पो फाइनली बैठ चुके हैं और मिलता हूँ आपको अपने गांव में। आपको फैन में बने रहना गाइस, ठीक है भाई। सो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने गांव, और मैं अपने गांव पहुँच चुका हूँ। यहाँ से मैं पैदल जाना चाहता हूँ, भैया को पैसे दे देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से अब हमें पैदल जाना है लगभग, यहाँ से ये यहाँ का मेडिकल है एंड ये यहाँ का फेमस, बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर जो कि है महादेव जी का। मैं भी यहाँ अक्सर बचपन में पूजा करने आता था एंड ये स्कूल, जैसे मैंने आपको बताया था, हमने जो है कुरकुरे वगैरह एंड चॉकलेट्स वगैरह ले लिए बच्चों के लिए, उनको देंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे वो, आगे आपको दिखाएंगे सारा। एंड काफ़ी बदल गया है गाँव, डेवलप हो चुका है, मतलब रोड्स वगैरह बन गए, पहले रोड्स इतना नहीं थे यहाँ पर। बेलमोहन जी वाक्य आगो चल जाए ना, आगे चल जाए, ठीक है, धन्यवाद। थोड़ा सा रास्ता भूल चुका था बट भाई ने बता दिया है, अब आप जा रहे हैं आगे। यहाँ पे लोग जो है मैथिली में बात करते हैं, अगर आपको मेरी मैथिली समझ में नहीं आ रही है, समझ में आई जाएगी आपको, क्योंकि जो मैथिली में टोन थोड़ी हिंदी की भी आ जाती है तो लोगों को समझ में आ जाती है, वो बोल नहीं पाते बट लोगों को समझ में आ जाती है ऑलमोस्ट। सो गाइस यहाँ पे रास्ता जाम हो चुका है, यहाँ पानी है और इधर गोबर रखा है। नमन सोच रहा है जाए कहाँ से, छलांग मार चला जाएगा। नमन ट्राई कर यार, लेट्स सी नमन कैन डू इट, चल भाई नहीं होगा, चला जाएगा अब, चले जा, अब जा चुका है तू, थोड़ा सा रह गया बस। हाँ वही करेंगे, कूद जा क्या हो गया भाई, मेरे से नहीं चला जाएगा ना, कूद रहा है क्या तू, पागल है, कूद मत, स्लिप होगा देख के। थोड़ा स्टार्ट ही है ब्रो, सो फाइनली भाई पहुंच चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आजा नमन, कर सकता है तू, आजा यार, चप्पल भी तो नहीं लाया यार, आजा आजा भाई, हाथ दे या। दोनों भाई आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा टफ टास्क था बट गांव में बस यही एक दिक्कत है, ये रोड वगैरह में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, बट फाइनली आ चुके हैं। उठा ले नमन, भाग उठा इसको, ये छोटे बकरी यहाँ के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है इनको देख के, और ये कितने ज्यादा क्यूट है यार,
नमन उठा ले, नमन उठा ले, कोई नहीं कुछ नहीं कहेंगे, उठा ले एक बार, गोदी में उठा ले यार, वो नमन गोदी में उठा ले एक बार, डर रही है वो, तेरे सभी डरते हैं भाई। अभी गाइस यहाँ से दूर है, चले जा रहे हैं हम, चले जा रहे हैं, हम थक चुके हैं। नहीं अभी फाइनली हम अभी चल ही रहे हैं, अभी भी हमारा गांव नहीं आया है, मतलब गांव के अंदर एंटर तो हो चुके हैं, जो घर है वो नहीं आया है, और चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। देखो ये लड़का बिहार का ही नहीं, घर नहीं गाइस, अंगना नहीं पहुँच पाए, अंगना नहीं पहुँच पाए। हाँ मुझे पता है, बट यहाँ पे लोग जो है वो मैथिली नहीं है भाई, इनको इनके लिए हिंदी बोलनी भाई, इनको समझाओ हम मिथिलांचल में है, हम अभी बिहार में है, तो अभी हम बिहार चले जा रहे हैं, हमें प्यास भी बहुत तेज लग रही है। तो अभी यहाँ आसपास कोई नलका भी नहीं दिख रहा जो हम पानी पी लें, पानी तो है बट हम ये पी नहीं सकते हैं क्योंकि ये गंदा पानी है। चाची के यहाँ जाएंगे अभी, चाची के यहाँ पहले पहुँच रहे, सो वहाँ जाएंगे, पानी आने पियेंगे, देन अपना रेस्ट करेंगे, अब आगे कुछ खाए पियेंगे भी, अब चल रहे हैं, बस आ ही चुका है ऑलमोस्ट। लास्ट टाइम तूने मेरे को यहाँ से ड्रॉप करा था, अब भी दूर जाना पड़ेगा यार, अभी यहाँ से बस 200 मीटर होगा, ज्यादा नहीं होगा यार, अब पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट, पहुँच चुके हैं बस तू यार यहाँ, अब रास्ता याद है तू। सो गाइस मिलता हूँ आपको अपने घर के पास। सो गाइस मैं रास्ते में जा ही रहा था कि मुझे ये दिखा, ये तालाब में यहाँ बहुत पहले मैं यहाँ बहुत ज्यादा नहाता था बचपन में, मुझे याद है ये वहाँ बच्चे नहाते हैं, एंड ये पूरा तालाब है, कुछ फंक्शन वगैरह जो होता है वो भी यहीं होता है, एंड ये हमारा कॉलम है, यहाँ सारे हमारे आम के बगीचे हैं, एंड ये मछोटे मंदिर है, एंड मुझे पता चला है कि ये पेड़ जो है, मतलब यहाँ गाछ बोलते हैं जो पीपल का है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है, विशाल पेड़ है, एंड यहाँ के अंकल बता रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना पेड़ है, मतलब हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी भी इसको देख चुका है, मतलब वहाँ देखने में लग ही रहा है कितना बड़ा पेड़ है। कितने पुराना पेड़ है थे? 100 बरस हो गया है, काफी पुराना पेड़ थे मतलब ना, देखो जो लगे थे एकदम विशाल। हाँ मंदिर छे मंदिर, अच्छा अरे चिमनी सी है, हम चाहिए ब्लॉगर चाहिए, यूट्यूब पर ब्लॉग बनवे चाहिए, यूट्यूब पर डालबे एकरा गांव का पूरा देखेबे, केहन गांव छे, व्यवस्था केहन छे, रोड सब, रोड सब बनले कि नहीं बनले एठमा से, तो एना ई यहां का कम से कम 10 साल हो गेले, प्रधान मुख्यमंत्री वाला छे, सब कच्चे रोड छे, एके आगो तो जे डाल लियो कच्चे बनवाक चाहिए, रोड बहुत पुरान छे, हम पहले आल छे एठमा, रोड अखन तक नहीं बनले वाला, कनिए रह गेले बुझलिया, बीच में और आगू तक भाग बैठ गेल। अरे वो दूर तक पूरा धान ही धान है, और यहाँ सारे आम के पेड़ हैं, क्योंकि ये वही धान है, यहाँ पे किसान लोग ये धान काटते हैं, और दिल्ली में जो राशन मिलता है हम लोगों को, जो दिल्ली गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ये सिर्फ इन किसानों की मेहनत होती है, देन मतलब ये सारा उन्होंने बोया है, सारी उनकी मेहनत है, जितनी भी है सब उनकी मेहनत है, दूर दूर तक सब उनकी मेहनत है, काफी खूबसूरत है देखने में गाँव सच में। सो गाइस फाइनली यहाँ से रोड बन चुका है, और यहाँ से पूरा यहाँ तक रोड अभी तक नहीं बना है,
एंड फाइनली यहाँ मैं आया हूँ बहुत दिनों बाद, और मैं देख रहा हूँ, देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई मेरे को कि ये रोड बन चुका है फाइनली। यहाँ से हमें बहुत दिक्कत होती थी बच्चों को स्कूल जाने में, और नमन फिर से यहाँ पर खेलते हुए, उठा 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 ले कोई कुछ नहीं करेगा। एंड अब यहाँ से मेरा गांव, मतलब मेरा गांव क्या, मेरा घर आ चुका ऑलमोस्ट, बस मेरा घर वहाँ पर है, आ ही चुका मेरा घर। आपको वहाँ पर जाके मैं सब कुछ दिखाऊंगा, अपना पूरा घर वर जो भी है। सो मिलता हूँ आपको वहीं पर, बाय बाय। वहाँ पे फाइनली बस थोड़े ही दूर बाद मेरा घर आ चुका है, एंड अब मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। सो एंड तक बने रहिएगा गाइस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और गाँव में आके जब एंटर हुआ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मतलब जो वाइब्स है ना बहुत ही ज्यादा, मतलब अमेजिंग। मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत दिनों बाद में गांव आया हूँ। आधे घंटे से पैदल चल रहा है बंदा, आधे घंटे से हालत भाई। सबर का फल मीठा होता है, बट यहाँ का जो व्यूज देख के तो मजा आया ना तेरे को। व्यूज हाँ व्यूज ठीक था, बट यार इतना पैदल चलना ब्रो, लाइक सीरियसली जाते टाइम मैं पैदल नहीं जाऊँगा कुछ कर। आते टाइम ऑटो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल अभी का एंजॉय करते हैं जो भी है। एंड गाइस देखिए गली है पूरी, यहाँ से मैं अभी राइट लूंगा एंड देन एक कट लेके मेरा घर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब क्या बताऊँ सच में, बहुत ज़्यादा खुश हूँ दिल से। मैं थक गया बट लोगों से मिलूँगा उसकी खुशी है, एंड घर को देखूँगा उसकी खुशी है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है गाइस, सो मिलता हूँ आपसे। सो हम एंटर हो चुके हैं घर के अंदर, एंड ये हमारी गली है छोटी सी, एंड ये मेरा घर है। मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको, एक्चुअली ताला अभी लॉक है। अभी चाय मंगाऊंगा और मैं खोलूंगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे कोई रहता नहीं ना, इसलिए तो हमने अभी सारा जिम्मा किसी और को दे रखा है। एंड अभी चाबी लेके आता हूँ, फिर आपको पूरे मामले से दिखाऊंगा। ओके गाइस, सो गाइस मैं अभी अपने कितने वाला पहुंच गया, मैं अभी अपने चाचा के यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मिलाता हूँ आपको सबसे। हम जी ये भोला एलियन से। हेलो भोला, बताओ क्या करते हो, बताओ तेरा गुलाम एक दिन हम क्या दे रत्रो अपराध है, यहां का डेट फाइल भर दो जल्दी में, यार आदमी ने भेट कर लेना करो। ठीक है तो भगत जी, ठीक जी बुझा लियो। नमन यहाँ पे आते ही सो चुका है, बहुत ही ज्यादा गर्मी थी तो नमन यहाँ रेस्ट कर रहा है। नमन कैसे लग रहा है, चॉकलेट ले ले। बोला ले जाए क्या चीज, भैया पैरा देगी। फाइनली मार्च के अंदर हमें यहाँ पैरा दे रहा हूँ, ये पानी बहुत ही ज्यादा मतलब अमेजिंग है। इसको हम पी भी सकते हैं, हमारे गांव में फिल्टर का पानी यही होता है, नलके का पानी क्या, ये एकदम प्योर पानी है। ये प्योर जो हम लोग अपने नलके का पानी, ठंडा पानी है कि इसका पूछो मत, मतलब यहाँ 24 घंटे ठंडा पानी आता है, गर्मी हो सर्दी हो जो भी हो। मैं नहीं धो रहा गाइस, मैं थक चुका हूँ, मेरे को नींद आ रही है, इससे मैं मुंह पोछूंगा लेकर। काफी ज्यादा मजा आ रहा है। किससे पूछ के तूने मेरा तौलिया लिया है, क्या हो गया, मैं ही पूछ रहा हूँ भाई। गाइस मिलता हूँ, शरबत पीते हैं फिर, थोड़ा बिहारी बड़ा गेटअप कैसा लग रहा है कमेंट बताइए गाइस। ताला खोलते हुए, सो फाइनली सुनील का घर, और ये माथा टच करते हुए सुनील भाई, और अपन भी करेंगे घर को और सुनील का। सो गाइस फाइनली मैं अपने घर में आ चुका हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा आंगना है, आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा थोड़ा घास फूस हो गया था, घास वगैरह अगर आप यहाँ नहीं रहोगे कंटिन्यूसली तो यहाँ पर पेड़ पौधे उग जाते हैं, जो मैंने कटवाया है। एंड ये जो पूरा घर है इसको हमें दोबारा तोड़ के रेनोवेट करवाना, मतलब इसे बड़ा कर देंगे। गाँव में जो है अक्सर ऐसे ही घर चलते हैं, अंदर से कुछ ऐसा है, इसकी हालत अभी खराब है क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है या। और ये जो मेरा है इसे हमारे गांव में कोल बोलते हैं, कोल मतलब नलका, यहाँ पर हम नहाते हैं धोते हैं जो भी है, वॉशरूम वगैरह अभी हमें बनाना है। एंड
पानी भी से देखता हूँ पानी चल रहा है गाइस, काफी अच्छा पानी, इतना ठंडा पानी है। थोड़ा सा यहाँ मुंह धो लेता हूँ। और यहाँ मेरे दो रूम है, ये मेरा जो है भगवान जी का घर है, भगवती घर से बोलते हैं, एंड ये मेरा रहने का घर है। चाबी मैं इसकी नहीं लाया हूँ क्योंकि मेरा प्लान नहीं था आने का, बट मैं आया हूँ। एंड देख सकते हैं बाकी जो भी है ये आपके सामने है, दिखा दे पूरा ये दिखा। सो गाइस आपने घर देख लिया पूरा, थोड़ा बहुत मैं खाना पीना कुछ खाता हूँ एंड देन फिर मिलता हूँ आपको चौक पे। दोबारा से मैं जाऊँगा अपने दीदी के घर अररिया, मिलता हूँ आपसे, बाय। सो गाइस मैं अभी अपने अंगने में हूँ और ये मेरा घर है, मैं अंदर से आ चुका हूँ, भगवान को मैंने प्रणाम कर लिया है। एंड ये मेरे चाचा जी का घर है एंड ये मेरा अभी ये मेरा दूसरा चाचा जी घर है। एंड ये जो पूरा आंगना है एंड इधर मेरा घर है एंड ये बाहर जाने का रास्ता है। आप देखिए ये जो घास फूस हो गई है गाइस, ये इसलिए हो जाता है कि अगर आप नहीं रहोगे यहाँ कंटिन्यूसली तो ये सब हो जाता है। एंड देन मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली में यहाँ के रहे, बहुत जल्द यहाँ के रहेगी। एंड कुत्ते वगैरह इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर आप नहीं रहोगे तो फिर ये यहाँ पर कुत्ते ही रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। एंड नमन भी यहाँ पर मिल चुका है, कैसा लगा नमन मेरा घर देख के? भाई ठीक था, क्योंकि लास्ट टाइम आया था शादी के टाइम पे तो लोग बाग बहुत ज्यादा थे, अच्छा लग रहा था, चहल पहल थी। अभी तो पूरा आंगना खाली है, यहाँ पर कोई नहीं, हम सब बाहर ही रहते हैं, बट बहुत जल्द सब यहीं रहेंगे एंड सब कुछ अच्छा होगा। अभी फिलहाल कुत्ते स्टे कर रहे हैं, इनको कोई किराया नहीं देना पड़ रहा है। बोलता हूँ आपको मैं चौक पे दोबारा जाऊंगा, फिर वहां से मैं रिक्शा लूंगा, देन फिर जाऊंगा अपने दीदी घर, मुझे भी ड्रॉप करना है, इतने से भी ड्रॉप करना है। सो गाइस फाइनली अब अपने गांव से आ चुके हैं, अभी यहां पे हाईवे पे वेट कर रहे हैं टेम्पो का, दोबारा जाऊंगा मैं अपने दीदी के गांव अररिया। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था गाँव का, और जो वहाँ का व्यूज था, घर वगैरह मैंने आपको सब दिखा दिया, अपना पूरा गाँव दिखा दिया मैंने आपको। तो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, ठीक है? एंड मिलता हूँ आपको नए ब्लॉग में गाइस, बाय बाय।